एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कट अनदर कट क्रीज आई मेकअप, जिसमें मैंने एचडी मेकअप के साथ आप इस तरह के आई मेकअप कर सकते हैं। होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और यस, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो ये है मेरी क्लाइंट और जिनका हम करेंगे फुल एचडी मेकअप, और उससे पहले आप देखेंगे कि हम ये आई मेकअप कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सीटीएम। सीटीएम के बाद हमने स्टार्ट किया है आई मेकअप, और इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ आई बेस। तो मैं ज़्यादातर यही आई बेस यूज़ करती हूँ, और जो ये प्रोडक्ट है वो है मेकअप स्टूडियो में जो आइवरी शेड है वो मैं अप्लाई करती हूँ। और इसकी खासियत ये है कि जब आप ये आई मेकअप पे देते हैं तो आपका आई शेडो बहुत ही अच्छा एनहेंस होता है, मीन्स आपको पिगमेंट दिखता है। जो पिगमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं वो पिगमेंट एक्चुअली विजिबल होता है। तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। और मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ, तो मैं आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है तो आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड और इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वैसा आप आई मेकअप करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आई शेडो स्टार्ट कर दिया है, और इसके लिए जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किया है वो है मॉर्फी का जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट, जिसमें मैं पीच शेड दे रही हूँ बैकग्राउंड में। जैसा आप देख रहे हैं, क्रीज के ऊपर वाले एरिया में मैं पीच शेड को अप्लाई कर रही हूँ, और जो ये शेड है उसका ट्रांजिशन वाले कलर ही मैं अप्लाई करूँगी धीरे धीरे। जैसे ही मैं क्रीज पे पहुँचूँगी वहाँ पे मैं डार्कर यूज़ करूँगी, और क्रीज के ऊपर जो है हमें लाइटर शेड पर काम करना है, बिकॉज़ ये एचडी मेकअप है। और जो एचडी मेकअप होता है इसमें आपको जो आई शेडोज़ है वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में देना होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल में, ये मेरा एक्चुअल क्लाइंट का वर्क है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि मैं एक्चुअल क्लाइंट पे कैसे काम करती हूँ। और यहाँ पे देखिए आप, मैं क्रीज तैयार कर रही हूँ, तो ये है क्रीज, और जो कि मैं मेकअप जो मेकअप स्टूडियो का हमारा आइवरी शेड है उसी से ही मैंने नॉर्मल क्रीज तैयार किया है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं करना है। तो हाफ़ क्रीज है तो आपको हाफ पे इस तरह से क्रीज तैयार करना है। और जो मैंने यहाँ पे पिगमेंट इसके ऊपर दिया है वो है, मैंने NYX का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है जिसका मैंने गोल्डन पिगमेंट देना है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं फ्लैट ब्रश से अब यहाँ पे गोल्डन पिगमेंट दे रही हूँ। तो आप अगर पार्टी मेकअप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोल्ड आई मेकअप ना कीजिए, नॉर्मल कीजिए, और जो कि एकदम सटल लुक आए आपके स्किन पे। तो इसी तरीके से मैंने आई मेकअप किया था, और अभी यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो वाटरप्रूफ आईलाइनर है जिसको आपको पर्टिकुलर शेप में देना है। तो गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं जो मैं इस मेकअप में यूज़ कर रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, मैं वहाँ पर प्रोडक्ट के लिंक्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे आईलैशेज अप्लाई हो रही है, और आईलैशेज के लिए मैंने PAC की आईलैशेज यूज़ की हैं। तो इस तरीके से आपको ये मेकअप क्रिएट करना है। और जो मेरी क्लाइंट थी बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज़ ये थोड़े से डार्क शेड्स हैं, तो होता है क्लाइंट को कि मेरा जो मेकअप हो बिल्कुल अच्छा हो। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ एंड में मेरी ये क्लाइंट ने खुद रिव्यू किया हुआ है, खुद बताया है कि उनको ये मेकअप कैसा लगा। तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए, और यस, अगर आपको सही लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोज़ लाने वाली हूँ, जो आपको नॉर्मली बहुत ही ईजिली कोई भी मेकअप आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ फेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने फेस प्राइमर यूज़ किया है वो यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का फेस प्राइमर। ये प्राइमर की खासियत है कि ये थोड़ा सा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, बिकॉज़ ये विंटर है, विंटर के सीज़न में आपको ऐसे ही फेस प्राइमर यूज़ करने हैं जो थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करे, और उसके साथ आपका जब आप कंसीलर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इनका कलर का करेक्शन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ऑरेंज स्टोन अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे।
तो इसी तरीके से अप्लाई करना है। और जो मैंने बेस यूज़ किया है वो क्रायलोन का ही, मैंने ऑरेंज टोन जैसा आप देख रहे हैं मेरे हैंड पे है वो अप्लाई करना है पूरे फेस पे। और इसके बाद हमको एक्चुअल शेड दिया है, तो ये है जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये पूरा प्रोसेस कर लिया है। और अब हम फेस पाउडर अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो बेस है वो सेटल हो जाए, उसमें कोई क्रीजेस ना आए। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। और यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग की है और इसके लिए मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ किया है जैसा आप देख रहे हैं। क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं किया है क्योंकि मेरे क्लाइंट को नॉर्मल कॉन्टोरिंग चाहिए थी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। और जो इसके बाद हमको ब्लश ऑन करना है सेम मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन का ही पैलेट यूज़ किया था, तो ऐसे ही आपको काम करना है। और नोज़ की कॉन्टूरिंग करनी है और इसके बाद हाइलाइटर आपको अप्लाई करना है। और जो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है वो है मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट। तो मैंने आईब्रोज फिलिंग नहीं की थी तो वो मैं अब लास्ट में करूँगी, बिकॉज़ कई बार हम आई मेकअप करते हैं और हमारा जो आईब्रोज होते हैं वहाँ का जो पिगमेंट है होता है कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप फाइनली भी अगर आपने स्टार्टिंग में किया है तो आपको फाइनल टेस्ट देना ही पड़ेगा, तो मैं फाइनली लास्ट में अप्लाई करूँगी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, बिकॉज एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सा चीज़ कब करना है, नहीं तो आपका मेकअप डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ ब्लश ऑन करेंगे और ब्लश ऑन करने के बाद हमको हाइलाइटर अप्लाई करना है। और यस गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये इसमें जो मैंने हेयर स्टाइल यूज़ किया है तो हेयर स्टाइल मैंने कैसे किया था इसका फुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि इनका हेयर स्टाइल हमने कैसे क्रिएट किया था। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जो कि मेरा कमिंग आने वाला है, जिसमें मैं आपको हेयर स्टाइल भी बताऊँगी और होप वो वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैं लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है वो PAC का मैंने क्रीम लिपस्टिक अप्लाई किया है, जिससे आपको सॉफ्ट टच महसूस होगा। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा लिप्स में ड्राइनेस आती है और ये जो इस तरह की लिपस्टिक होते हैं इससे आपको सॉफ्ट फील होगा पूरे उसमें और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है। तो स्मच प्रूफ लिपस्टिक होती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और मैंने लिप की भी कॉन्टूरिंग की है तो इसी तरीके से आप। और अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और जो कि मैंने यूज़ किया है लैक्मे का आइकॉनिक काजल। और थोड़ा सा आपको सेम पिगमेंट का आई शेडो स्मज प्रूफ करना है क्योंकि आपका काजल फैले ना, इसके लिए आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। और आजकल ये ट्रेंड में है कि आपका काजल की जो परफेक्ट लाइन है वो विजिबल ना हो, तो इस तरीके से ही आपको काम करना है। और फाइनली गाइस बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और यस कौन से मेकअप आप चाहते हैं जिसमें आपको परेशानी हो रही है या फिर आप कोई अलग आई मेकअप लुक जान चाहते हैं तो उस तरह से आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग ही बना सकूं। तो यस, यहाँ पे मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने ग्लिटर ब्लू अप्लाई किया है। और जो मैंने ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं वो है गोल्डन कलर के, वो है मेकअप स्टूडियो के ग्लिटर। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है और काम करना है। ये मैं फाइनली देती हूँ बिकॉज़ बीच में मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है, तो जब क्लाइंट पूरी रेडी हो जाती है देन आफ्टर ही मैं ग्लिटर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। और यस, हेयर स्टाइल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको ये पूरा हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल मिलेगा कि मैंने इनका हेयर स्टाइल कैसे रेडी किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये है मेरे क्लाइंट का रिव्यू। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मेकअप भी बहुत सटल है और मैं जैसा लुक अपने दिमाग में सोच के आई थी बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विसेज से। और उनके सारे एम्प्लॉयज भी बहुत अच्छे हैं और वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।